देखने को मिली, कहीं भूत कैप्चर कर रहे थे, कहीं मशीन के नीचे चिप लगा के अपना मतदान करने की कोशिश कर रहे थे, कई जगह कुछ कर्मचारियों को मिला के बेईमानी कर रहे थे। उस बात को लेकर हम चुनाव आयोग से भी मिले दिल्ली में, और उन्होंने भी यहाँ पर हिदायत देकर यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कैसे हो उसके लिए भी रास्ता दिया है। तो आज यहाँ पर बहुत सारी चीजें कानून जो अड़चन आ रही थी उन अड़चनों को दूर करने के लिए हमारे प्रत्याशियों को हमने बहुत सारी चीजें समझाई है, और जाके वहाँ पर अपने जब 8 तारीख को काउंटिंग होगी उस काउंटिंग में वो अपनी सावधानी रखें, और जो बेईमानी करके वो जितने कोशिश करते हैं उनको रोकने की कोशिश करें। इस बात को लेकर हम लोगों ने आज कोशिश की है, सभी लोग आए हैं अच्छी तरह से और समझ के वापस अपने अपने विधानसभा में जा रहे हैं, ये बताने के लिए हमने आज बुलाए थे। पूरे मध्य प्रदेश में घूमने के बाद जो एक निष्कर्ष पाया वो एक लाइन की बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पूरे प्रचार के दरमियान ओपिनियन पोल के जरिए उन्होंने लोगों को बरगलाने की कोशिश की, बावजूद इसके हमारे पास जो अपना फीडबैक है अलग अलग विभागों से अलग अलग क्षेत्रों से उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ रही है, पूरी बहुमत के साथ आ रही है। अभी जो एग्जिट पोल तथा कथित एग्जिट पोल जो आया उसकी वजह से एक नए प्रकार का कंफ्यूजन पैदा हो गया, 8 तारीख तक ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन तब तक हमने ये सोचा, AICC ने ऐसा सोचा और PCC के साथ बात करके ऐसा फैसला किया कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं तमाम उम्मीदवारों के साथ मतगणना के दरमियान क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसके ऊपर चर्चा की जाए। हमारे आदरणीय पचौरी जी ने इसके ऊपर बड़ा विशद अध्ययन किया और अलग अलग जो तकनीकी पहलू है उसके ऊपर विस्तार से सभी उम्मीदवारों और अगर जो उम्मीदवार नहीं है उनके प्रतिनिधियों को बताया गया है, क्योंकि पिछले चुनाव में कई जगह मतगणना में मैनिपुलेशन हुआ था और मैनिपुलेशन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इस बार BJP ऐसा कोई मैनिपुलेशन न कर पाए इसके लिए हमारे उम्मीदवारों को हमारे काउंटिंग एजेंट्स को सावधान रहना चाहिए, सावधानी कैसे बरतनी है इस बारे में सारा कुछ विस्तार से समझाने के लिए हमने आज यहाँ अपने उम्मीदवारों को और उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था। लगभग 2 घंटे तक ये मीटिंग चली, मीटिंग के बाद सभी लोगों को निर्देश दिया गया वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति करना और उनको कैसे इस दिशा निर्देश के तहत आगे जाकर के काउंटिंग के दरमियान अपनी भूमिका निभानी है इस बारे में निर्देश दें। पूरे मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों की सरकार की जो सरकार का जो कामकाज था उस कामकाज को लेकर के लोगों में असंतोष था, जो उम्मीदवारों को लेकर के खासकर असंतोष था, मेरा ऐसा अंदाज है कि लगभग 20-21 मंत्री इनके हार सकते हैं, कई विधायक हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। ऐसे में इस पूरे एग्जिट पोल को हम नकार रहे हैं, कैसे किस मैनिपुलेशन के तहत एग्जिट पोल हुआ हमको इस विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन 8 तारीख को पूरा विश्वास है कि एग्जिट पोल कराने वाली जो एजेंसियां हैं हमारे फीडबैक के आधार पर उन एजेंसियों के मुंह पे काले कूदेगी और मध्य प्रदेश की जनता ने जो तय किया 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता वापस आए पुनः अपने कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश के गरीब कमजोर किसान मजदूर और नौजवानों के हित में लागू करे, ये जो उनकी चाहत है वो आने वाले 8 तारीख को पूरी होगी ऐसा हमारा विश्वास है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी नेतागण दिग्विजय बाबू हो, सिंधिया जी हो, कमलनाथ जी हो, भूरिया जी हो, सुरेश पचौरी जी हो या राहुल भैया हो, सभी लोगों ने पूरे प्रचार के दरमियान अपने अपने क्षेत्रों में जबरदस्त काम किया और एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था, एक पूरी सिनर्जी दिख रही थी, सभी लोगों ने एक एक क्षेत्र को पकड़ा और क्षेत्र में कोई ऐसी सीट नहीं थी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर प्रचार नहीं किया गया, तो पूरे विंध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा प्रचार कार्य करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में। जो कल के एग्जिट पोल की बात है,
एग्जिट पोल कितना सही है कितना गलत ये तो 8 तारीख को पता चल जाए, लेकिन ये पोल इसलिए कराया गया, फाइंडिंग इसलिए है कि मध्य प्रदेश में चंद भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की हवा बनी रहे उसके लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के मैं समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से प्रार्थना करता हूं कि जो जनता ने फैसला किया है जनहित के ऊपर वो अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करेंगे 8 तारीख को, ये उनसे पूरी उम्मीद करता हूं। दूसरा, जहां तक संजय निरुपम जी ने विंध्य की बात कही है, रीवा शहडोल संभाग में 30 विधानसभा सीटें आती है, अभी हम मात्र 2 विधायक इन 2 संभाग से हैं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 2 की जगह कम से कम 18 विधायक इन 2 संभागों में से रहेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। 3 दिसंबर को कांग्रेस का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन में मिला और खास तौर से 3 मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। एक तो कुछ स्थानों पर ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी पाई गई थी, मिसाल के तौर पर हाथ के पंजे वाली बटन दबाई जाती थी और लाइट किसी और निशान पर और खास तौर से कमल के निशान पर जलती थी, उसकी शिकायत हुई। कुछ जगह चिपकाई गई मशीन के नीचे, एक ईवीएम मशीन से संबंधित बात थी, दूसरी पोस्टल बैलेट पेपर्स को लेके बात थी कि पोस्टल बैलेट पेपर 25 तारीख के बाद भी जारी किए गए हैं, और कुछ जगह तो आपके समाचार पत्रों में ही आया कि वो कहीं पान की दुकान पे मिले कहीं और मिले, और तीसरी काउंटिंग से जुड़ी हुई बात थी कि टैबुलेशन टेबल जो काउंटिंग होती है और टोटल समाप्त होता है। अच्छा हो जाने दो फिर ले लेना, उसकी पूरे डिटेल्स काउंटिंग एजेंट के पास उपलब्ध होना चाहिए और ईवीएम मशीन का नंबर, यूनिट नंबर और टैग नंबर सार्वजनिक किया जाना चाहिए पोलिंग बूथ के साथ। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 तारीख को हमारा डेलीगेशन मिला और 4 तारीख को इन सभी विषयों पर इलेक्शन कमीशन ने अपने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए। नंबर 1 कि वो ईवीएम मशीन जिनमें इस प्रकार की गड़बड़ी पाई गई वो सील कर ली गई, कुछ जगह रिपोलिंग के ऑर्डर हुए। दूसरा, पोस्टल बैलेट से संबंधित ये स्पष्ट बात आई कि पोस्टल बैलेट के लिए अभी तक जो 14 काउंटिंग एजेंट और 2 एआरओ रहते थे, पोस्टल बैलेट के लिए अलग से एआरओ मौजूद होंगे और 500 से ज़्यादा अगर पोस्टल बैलेट है तो दूसरे एआरओ भी मौजूद रहे। तीसरा, पोस्टल बैलेट की जो फाइनल काउंटिंग है वो ईवीएम की फाइनल काउंटिंग से पहले हो जाएगी और वो रिजल्ट पहले डिक्लेयर होगा, ये भी इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन ले लिया है। और हमने एक बात और कही कि जो एक्ट है उसके मुताबिक 25 तारीख के बाद जो बैलेट पेपर जारी हुए हैं वसूलन नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर मान्य ना किए जाएं। हमें उम्मीद है कि इस दिशा में भी इलेक्शन कमीशन जल्दी निर्णय लेगा। मेहरबानी करके इस संबंध में जो इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, आप सब बुद्धिमान हैं और हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं जिसमें ईवीएम मशीन नंबर हर पोलिंग बूथ के हिसाब से भी उपलब्ध रहेगी। ये तो रही इससे संबंधित बात, बाकी ये बात बहुत स्पष्ट है कि एग्जिट पोल के मामले में हमारा पुराना भी अनुभव रहा है, चाहे वो 2004 का लोकसभा के परिणाम से संबंधित हो या 2009 के लोकसभा परिणाम से संबंधित हो या वो
वो विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में संपन्न हुए, चाहे उत्तराखंड हो चाहे कर्नाटक हो, भाई संजय जी भी वहाँ के इंचार्ज थे और मैं खुद भी AICC के वार रूम से वो कोऑर्डिनेट कर रहा था। अगर आप वो एग्जिट पोल के नतीजे देखें और वास्तविक नतीजे देखें तो आप पाएंगे कि दोनों में विरोधाभास था और अंततः कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनी, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनी। इसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अजय सिंह जी ने बताया कि हम लोगों को जो ग्राउंड लेवल से खबर मिल रही है, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मतदाताओं के मन में जो परिवर्तन का की लहर है, उस आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।